दोस्तों अगर आप भी मोहम्मद शमी को अच्छा गेंदबाज मानते हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ एक ही गेंदबाज ने पलट कर रख दिया पूरा मुकाबला और वो थे शमी। हैट्रिक गेंदबाजी करवा के तोड़ दिया कई साल पुराना रिकॉर्ड। आईसीसी की तरफ से मिला करोड़ों का इनाम। आखिर कौन से थे वो ऐसे रिकॉर्ड? कैसी रही शमी की घातक गेंदबाजी? सब आपको वीडियो में वो भी लाइव दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह में से कौन अच्छा गेंदबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि न्यूजीलैंड और भारत के बीच धर्मशाला के एचपीसीए क्रिकेट ग्राउंड पर आज वर्ल्ड कप का 21वां मुकाबला शुरू हुआ, जहां इस मुकाबले की शुरुआत भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के टॉस जीतने के साथ हुई। और इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनने का फैसला रोहित शर्मा का बिल्कुल सही साबित हुआ। हालांकि यहां पर दो बल्लेबाजों ने जरूर भारत के गेंदबाजों की नाक में दम किया, लेकिन दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम को आखिरकार 300 रन से पहले ही भारत ने रोक दिया। हुआ ये कि डेवॉन कॉनवे और विल यंग का विकेट मात्र 19 रन के कुल स्कोर पर गिरा देने के बाद रचिन रविंद्र और डेरिल मिचेल ने यहाँ अच्छी साझेदारी की। दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 150 रन की साझेदारी कर डाली। लेकिन इस बीच रचिन रविंद्र 75 रन बनाकर आउट हुए तो डेरिल मिचेल ने तो आज शतक ही जड़ दिया। लेकिन दोस्तों बाकी कोई भी अन्य बल्लेबाज न्यूजीलैंड की टीम का 30 रन का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाया, जिसके चलते न्यूजीलैंड की पारी पूरी तरह से बिखरती हुई नजर आई और इस मैच में भारत डोमिनेट करने लग गई। वरना एक समय पर तो जब रचिन रविंद्र और मिचेल मैदान पर थे तब लग रहा था कि यहाँ स्कोर 300 350 रन के करीब भी जा सकता है, लेकिन ऐसा भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी ने होने नहीं दिया। शमी ने आज 10 ओवर फेंके, 4 विकेट हासिल किए और उन्हीं की बदौलत पूरा मैच यहाँ पलट गया। और दोस्तों मोहम्मद शमी ने अपनी इस घातक गेंदबाजी से वर्ल्ड क्रिकेट में कई बड़े कीर्तिमानों को भी अपने नाम किया। और यही नहीं, शमी आज दुनिया के ऐसे नंबर वन गेंदबाज भी बन गए हैं जो कि आज तक मुकाम ना तो ब्रेटली जैसे गेंदबाज को मिला, ना बुमराह जैसे गेंदबाज को, और यहाँ तक कि इस रिकॉर्ड के बाद आईसीसी ने खुद शमी को अपनी तरफ से इनाम ऑफर करने का ही ऐलान कर दिया। दरअसल यहाँ पर मोहम्मद शमी ने जिन रिकॉर्ड को आज अपने नाम किया है वो कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों आज मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लेते के साथ ही वनडे वर्ल्ड कप में कुल मिलाकर 95 ओडीआई खेलते हुए 94 पारियों में 176 विकेट ले डाले। और दोस्तों भारत के लिए सबसे तेज यह कारनामा करने वाले मोहम्मद शमी अब इकलौते ऐसे गेंदबाज बन चुके हैं। वहीं हम आपको बता दें कि मोहम्मद शमी ने आज जैसे ही 176 विकेट लेने का कारनामा पूरा किया तो उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज इमरान ताहिर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने थिसारा पैरों की श्रीलंका के घातक गेंदबाजों में एक रहे हैं, उनके रिकॉर्ड को भी तोड़ते हुए मोहम्मद शमी आगे निकल चुके हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने आज इरफान पठान और यहाँ तक कि ओरम जैसे खिलाड़ियों को पीछे कर इतिहास रच दिया और मोहम्मद शमी ने यह रिकॉर्ड अपने नाम कर हर किसी को चौंका दिया है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर लिस्ट में देख सकते हो कि अन्य गेंदबाजों ने यहाँ यह 176 विकेट लेने का कारनामा किसी ने 166 मैच में किया है, 116 मैच में भी है, 107 160 मैच में भी यह कारनामा गेंदबाज कर चुके हैं, लेकिन मोहम्मद शमी की बात ही अलग है। उन्होंने तो 75 मैच में ही यह कारनामा कर दिखाया है। और दोस्तों वही बात करें आगे बढ़ते हुए अगले रिकॉर्ड के बारे में, तो भारत के लिए पहला ही वनडे वर्ल्ड कप मुकाबला खेलते हुए 5 विकेट हासिल करने के मामले में अब मोहम्मद शमी भी सूची में शामिल हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद शमी ने यहाँ अनिल कुंबले, जवागल सिरीनाथ, अजीत अग्रकर और जहीर खान, हरभजन सिंह के बाद यह कारनामा कर दिखाया है और अब मोहम्मद शमी का नाम इस सूची में भी शुमार हो गया है। तो दोस्तों मोहम्मद शमी ने तो आज मैच पलटकर ही पूरा दिल जीत लिया देश का। बाकी अब आप सभी की क्या राय है मोहम्मद शमी की घातक गेंदबाजी देख लेने के बाद, और आप मोहम्मद शमी को 10 में से कितने नंबर दोगे? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।